चलो आप लोग ही मेरे को बताना, स्कूल्स में चार लोग को लेके चलते, एक डायरेक्टर, एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल और स्टाफ जो टीचर्स होते हैं। एक बात बताओ, अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब क्या होता है? चलो बताओ, आप लोग बोलो अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पावर पावर, ठीक है, पावर, पावर पावर, ठीक है, ओके, पावर होता है ना, तो अथॉरिटी मतलब पावर। तो सबसे ज्यादा अथॉरिटी इन चारों में किसको मिलेगा, किसके पास होगा? प्रिंसिपल डायरेक्टर प्रिंसिपल सर डायरेक्टर के पास डायरेक्टर। भाई डायरेक्टर प्रिंसिपल से पास बड़ा होता है, जिन लोग भी प्रिंसिपल्स बोल रहे हो उन लोग याद रखना, डायरेक्टर, डायरेक्टर सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर के पास सबसे ज्यादा पावर होगा, क्लियर है? क्या प्रिंसिपल के पास भी पावर होगा? यस यस सर सर होगा यस से कम सर होगा। अच्छा, प्रिंसिपल के पास भी पावर होगा। क्या वाइस प्रिंसिपल के पास भी पावर होगा? यस यस सर ओके। क्या स्टाफ लोग के पास भी पावर होगा? यस यस सर सर। मतलब सबको, यस सबको सर कुछ ना कुछ पावर सबके पास रहता है, ये मानते हो आप लोग? यस सर ओके यस सर, ठीक है। तो आप ये बोलना चाह रहे सर हो कि डायरेक्टर के पास भी अथॉरिटी है, आपके क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल के पास भी अथॉरिटी है, वाइस प्रिंसिपल के पास भी अथॉरिटी है और स्टाफ के पास भी अथॉरिटी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ डायरेक्टर के पास ही अथॉरिटी रहेगा, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और स्टाफ के पास अथॉरिटी नहीं रहेगा, तो क्या स्कूल अच्छे से चल पाएगा क्या? नो सर नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा नो सर नो सर पक्का? नो सर यस चलो ठीक है। क्या अब एक बात और बताना मेरे को, क्या सभी के पास फुल अथॉरिटी है? फुल अथॉरिटी मतलब डायरेक्टर के पास भी सेम अथॉरिटी है, प्रिंसिपल के पास भी पूरा अथॉरिटी है, वाइस प्रिंसिपल के पास भी पूरा अथॉरिटी है और स्टाफ के पास भी पूरा अथॉरिटी है, तो क्या मेरा स्कूल अच्छे से चल पाएगा? यस सर नो सर नो चलो ठीक है। सर मिस हम यूज उसका, होगा हाँ, पावर का मिस यूज होगा, श्रेयांश बोला पावर का मिस होगा, सही बात है, ठीक है। जो यस पावर बोला, पूर्वांश यस बोला था, पूर्वांश क्यों चलेगा अगर सबके पास पूरा फुल पावर हो सर मैं नहीं बोला तो? अच्छा चलो ठीक है, एक बात सुनना। कई सारे, जैसे कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जैसे कि एनएमएस क्लास एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो अभी बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो एनएमएस क्लास में मैं एक उसका ओनर हूँ, तो उसका ओनर अगर मैं हूँ तो मेरे साथ वहां पर 7 टीचर्स होंगे, तो वहां पर अगर कोई भी चीज को एनएमएस क्लास का डिसीजन अगर लेना होगा तो उसको मैं लेता हूंगा कि कोई टीचर लेता होगा? सर मैं लेता हूंगा। बाकी आप और टीचर क्या पावर, वो सब भी ले सकते हैं क्या डिसीजन? नो सर नहीं ले सकते, यस क्यों नहीं सर ले, नहीं ले वो सब सकते, अपना ओपिनियन दे ठीक सकते हैं है। आपको हाँ, वो सब ओपिनियन दे सकते हैं मेरे को, लेकिन डिसीजन ले नहीं सकते, ये भी बोल रहे हो, सही बात है। लेकिन अगर मान लो जा भाई, मेरा ही एनएमएस क्लास को मैं 3 ब्रांच ओपन कर दिया, एक मेरा महासुन में, एक मेरा बागबाहरा में है और एक मेरा आरंभ भी है। अब वहां भी मेरे एक ऐसे ऐसे मैनेजर्स बना के बैठा के रख दिया हुआ हूं, वहां कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वहां वो डिसीजन लेगा कि मेरे से पूछेगा? सर आपको वो पहले डिसीजन बताएंगे लेगा, फिर डिसीजन फिर आपसे पूछ के डिसीजन लेगा मेरे से पूछ के डिसीजन लेगा। लेकिन हो सकता है मेरे से, अगर सर। मैं आउट ऑफ कवरेज एरिया में हूँ और मतलब आउट ऑफ स्टेशन हूँ कहीं भी हूँ, तो वो मेरे से बिना पूछे भी डिसीजन ले सकता है अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो यस तो? सर यस सर, ले सकता है, ठीक है, यस ओके, चलो ठीक है। अपन ये बात करते हैं, अब ध्यान से सुनना मेरा बात को। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे अपन सेंट्रलाइजेशन वाले रूल्स फॉलो कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि वन मैन पावर अथॉरिटी, सिर्फ एक ही बंदा जो ओनर है, ओनर के पास ही अथॉरिटी है, सिर्फ ओनर ही डिसीजन लेगा और किसी के पास कोई अथॉरिटी गिवन नहीं होता, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक ही बंदे के पास पावर होना या ओनर के पास पावर होना, सिर्फ कोई भी काम होगा, कोई भी डिसीजन हो, छोटा से लेकर के बड़ा तक का कोई भी डिसीजन अगर सिर्फ एक ही बंदा लेता है
उसको अपन बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, सेंट्रलाइजेशन एप्लीकेबल होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है सबको थोड़ा थोड़ा पावर डेलीगेट करना, सबको थोड़ा थोड़ा पावर डेलीगेट करना, उसको अपन बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, सिर्फ ओनर के पास पावर होगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बोलता है ऑल लेवल में भी पावर होगा। ऑल लेवल मतलब टॉप लेवल में भी पावर है, मिडिल लेवल में भी पावर डेलीगेट हुआ है और लोअर लेवल के पास भी पावर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जिसके वर्क के अकॉर्डिंग, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको पावर गिवन है। तो अगर सब ऑर्डिनेट को भी अगर पावर दिया रहता है तो उसको अपन बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो फयोल जी हमको ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एकदम से स्ट्रिक्टली सेंट्रलाइजेशन मत करो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एकदम स्ट्रिक्टली डिसेंट्रलाइजेशन भी मत करो। दोनों को कॉमन लेकर के चलो, जैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉमन लेकर के चले थे ना, वैसे ही सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ कुछ ऐसा डिसीजन होगा जो एकदम इंपॉर्टेंट होगा, उसको कर दो सेंट्रलाइजेशन, मतलब उसको बिना ओनर्स के जाने नहीं बना सकते। कुछ कुछ ऐसा पावर डिसीजन होगा जिसको अगर कैजुअली कोई भी ले सकता है तो उसको कर दो डिसेंट्रलाइज्ड। कुछ कुछ चीजें को क्या कर दो डिसेंट्रलाइज, जिससे क्या होगा कि वो भी अगर कुछ सा उसको भी अथॉरिटी मिलेगा तो उसको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वर्क को वो भी बहुत अच्छे से करेगा। और किसी को अगर थोड़ा सा पावर दे दो तो अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा फील करता है और वर्क को बहुत अच्छे तरीके से निभाता है। तो आपका जो फयोल जी यही बोलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल हमको पढ़ने वाले हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रलाइजेशन रिफर टू the concentration of authority or power in a few hands at the top level. सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर के पास अगर पावर दिया गया है उसको अपन बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल के पास भी होगा, मिडिल लेवल के पास भी होगा और लोअर लेवल के पास भी होगा। अकॉर्डिंग टू फयोल अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। फयोल बोलता है कि ना तो पूरा कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड रखना, ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड रखना, बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन the nature and size of the organization. A small organization can be well organized and managed with the centralization technique, but in large organization there is needed for decentralization technique. जहां few per worker काम करेंगे वहां centralization कोई problem नहीं होता, लेकिन अगर ज्यादा large number of अगर workers है, employees है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, decentralization करना पड़ेगा। Secondly क्या बोलता है, if employees are efficient and competent they can be trusted having by having decentralization। अगर आपका जो employee है वो बहुत अच्छा काम करता है और वो एक trustworthiness है तो उसको उस जगह में क्या कर दो, decentralize कर दो, ताकि उसको भी self satisfaction मिले। और अगर आपका employee अगर incapable है और decision making नहीं कर सकता तो फिर वहां आपको क्या करना पड़ेगा, centralization करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जहां पर टॉप लेवल मैनेजर मतलब ओनर ही बस डिसीजन लेता है, उस जगह को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन पे होता है कि वहां पर ओनर भी डिसीजन ले सकता है, वहां पर सब ऑर्डिनेट भी डिसीजन ले सकता है। जैसे इसका एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, पंचायत इन अवर कंट्री हैविंग बीन गिवन मोर पावर टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड ग्रांटेड बाय देम टू द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ विलेजर्स। विलेज में जो गांव होते हैं, गांव में सरपंच बनते हैं, आपको पता है गांव में सरपंच बनते हैं, ये जानते हो? यस सर जी। तो सरपंच को भी पावर होता है कि अपने गांव में अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, गांव में कुछ भी बनाना होगा, या गांव में जैसे भवन बना रहे हैं, या गांव में कुछ और नया चीज एडवेंचर करने के लिए अपना अगर कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो सरपंच को अथॉरिटी है कि अगर आप अपने गांव को अच्छा बनाने के लिए कोई भी खर्चा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो।
ये कौन दे दिया है, ऊपर से गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिया है। बट अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा ऑर्डर दे देता तो कोई भी चीज अगर आपको गांव में करना है तो मेरे से बिना पूछे मत करना, तो क्या कोई सरपंच बनने का काम करेगा क्या? नहीं करता। थोड़ा सरपंच क्यों बनते हैं, सरपंच बनता इसलिए है क्योंकि वहां पर फुल पावर होता है, गांव का मालिक होता है। जैसे देश का मोदी है ना, देश में अगर कुछ भी डिसीजन लगाना है वैसे गांव में अगर कुछ भी करना होगा ना तो सरपंच के पास फुल अथॉरिटी होता है दोस्तों। गांव का प्राइम मिनिस्टर ना सरपंच होता है। ये चीज इसलिए बताया गया एग्जाम्पल को लेकर के कि अगर मोदी जी ने क्या कर दिया है, अपने जितने भी स्टेट है स्टेट में चीफ मिनिस्टर है उसको भी पावर दे के रखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर अपने जितने भी जैसे कि MLAs हैं उनको पावर दे करके रखा है, फिर अपने पास जितने भी अगर जैसे कि हमारे पास नगर पालिका अध्यक्ष है उनके पास कुछ पावर है, फिर गांव में विलेजेस में जितने भी सरपंच है उसके पास अलग अथॉरिटी है। लेकिन अगर इसको सेंट्रलाइज्ड कर दे, सिर्फ एक ही बंदा डिसीजन लेगा बोलेगा, तो क्या कोई लोग इलेक्शन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ये चीजें लिखा हुआ है यहाँ पास। या दूसरा आप अपना देख लो, दुकान को लेकर के आपका छोटा सा दुकान है तो वहां पर ओनर होता है तो वही अपना पूरा पावर उसी के पास होता है कि किसको उधारी में देना है किसको नहीं देना है, ये कौन करता है? ओनर ही करता है। लेकिन आपका बिजनेस का 2-3 टुकड़े में बटा हुआ है, 2-3 जगह ब्रांचेस है, अब वहां कोई दूसरा बंदा बैठा है और एक जान पहचान का आदमी लेने आ गया सामान, तो थोड़ी ना उसको फोन लगा करके पूछेगा कि भाई मैं उसको उधारी दूं कि नहीं। वो हो सकता है बोल दिया जाए कि एक अच्छा वेल्ड कस्टमर होगा जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके पास पावर है कि आप उसको क्या कर दो, उधारी में सामान दे दो, क्रेडिट में सामान दे दो। तो ये क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड। इससे क्या होगा, वो ओनर वो आप बंदा क्या समझेगा, अपने आप को एक वहां का मालिक भी समझेगा और वो अच्छे से काम भी करेगा। क्लियर है? यस सर। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। पॉजिटिव इंपैक्ट अगर बिजनेस को सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एक साथ करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? फास्ट डिसीजन एंड ऑपरेशनल लेवल, तुरंत डिसीजन हो सकता है बोल रहे दोस्तों, और बोल सकते हैं इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी लिख सकते हैं, हमारा गोल जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। अगर हम ये रूल फॉलो नहीं करते, कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड करते हैं तो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, डिले डिसीजन होगा, जब तक वो बंदे को पूछेंगे नहीं तब तक हम डिसीजन नहीं दे पाएंगे। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का क्या हो जाएगा, मिस यूज हो जाएगा। मानते हो? चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन 3 नंबर के लिए आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। सेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? पहला पॉइंट देखो, मीनिंग में क्या लिखा हुआ है सेंट्रलाइजेशन का, इट रिफर टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एट हाई लेवल ओनली, हायर लेवल के पास ही पावर होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल में देखो क्या लिखा हुआ है सेंट्रलाइजेशन के अंदर, टॉप मैनेजमेंट रिटेन मैक्सिमम अथॉरिटी, सबसे ज्यादा अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट पे होता है, देन अथॉरिटी विद मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट इज वेरी लो, बहुत कम पावर होता है। बट यहाँ पास The authority is systematically divided at every level, मतलब responsibility के according authority given होता है। Clear है दोस्तों? Yes sir। चलो म्यूट रखना और एक बार याद करना, हेनरी फयोल कौन है भाई? हेनरी फयोल वॉज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट एंड मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट। वो क्या है, मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट का क्या है, फादर है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल्स निकाले थे, 14 प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल्स क्या पढ़े थे, आप लोग भी बिना देखे याद करने की कोशिश करना। सबसे पहला प्रिंसिपल्स उसने बोला था डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहला प्रिंसिपल्स बोला था डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड प्रिंसिपल बोला था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद करने की कोशिश करना, सेकंड प्रिंसिपल्स बोला था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड प्रिंसिपल्स बोला था डिसिप्लिन। थर्ड प्रिंसिपल क्या बोला था, डिसिप्लिन। एकदम सेम याद रखना है, जरूरी नहीं है भाई, बस अपन को कोशिश करना है कि ऐसे अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। थर्ड प्रिंसिपल्स क्या पढ़े थे, डिसिप्लिन। फोर्थ प्रिंसिपल सर ने क्या पढ़ाया था, यूनिटी ऑफ कमांड। फोर्थ प्रिंसिपल क्या बताया था, यूनिटी ऑफ कमांड।
फिफ्थ प्रिंसिपल बताया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिफ्थ प्रिंसिपल बताया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स प्रिंसिपल बताया था सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सिक्स यही बोला था, सेवंथ बताया था रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल, सेवंथ बताया था रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल, और एट्थ हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या एट्थ हम लोग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ रहे हैं? अब ये बता दो मेरे को, इसमें ऐसा कौन है जिसको आठों प्रिंसिपल ऐसे बिना देखे कोई बोल पाए? कोई है क्या? यस सर, मुस्कान, यस सर, यामिनी भी है, पूर्वांश भी है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ओके, थैंक यू। मतलब इतने लोग हैं जिसको थोड़ा बहुत अपने को ये चीज तो याद होगा कि आठ प्रिंसिपल हमने पढ़ के रखे हुए। नाइन्थ प्रिंसिपल के ऊपर मूव ऑन करते हैं दोस्तों, नाइन्थ प्रिंसिपल देखते हैं, नाइन्थ प्रिंसिपल क्या बोलता है, नाइन्थ प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चैन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। अगर बुक होगा किसी के पास, इसको मोस्ट 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 आईएमपी डाल देना, पेपर में तीन नंबर के लिए अकेला इसी को पूछ देता है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन को अपन डायग्राम से पढ़ेंगे, नीचे कहीं डायग्राम दिया होगा, मैं दिखता हूँ, उसको आप लोग भी ध्यान देना। अच्छा चलो ठीक है, ये देखो मिल गया आपको, दिख रहा है क्या स्क्रीन पे डायग्राम, ऐसे ट्रायंगल करके बना हुआ है, दिख गया? yes, sir. उसी को एकदम फोकस करना। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्केलर चेन का मतलब होता है एक 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 करके सबको लेकर के, जैसे कि एफ एक बंदा है, एफ मेरा नीचे में दिख रहा होगा आपको, आपके लेफ्ट हैंड साइड में एफ करके दिख रहा होगा, ये एफ को ना कुछ बताना है पी को, एफ ना कुछ बोलना चाहता है पी को, किसको बोलना चाहेगा, पी को। तो एफ डायरेक्ट पी से बात नहीं करेगा, एफ पहले किसको बोलेगा, ई को बताएगा, फिर ई किसको बोलेगा, डी को बताएगा, फिर डी किसको बोलेगा, सी को बोलेगा, फिर सी किसको, बी को, फिर बी ए को, फिर ए एल को, फिर एम को, फिर एन को, फिर ओ को, फिर पी को। मतलब स्केलर चेन बोलता है कि आपको चैन वाइज चलना है, आपको चैन वाइज चलना है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी को भी देना है तो उसके जस्ट आप उसके सुपीरियर से लेकर के सब ऑर्डिनेट तक आपको उसको जाना पड़ेगा, एक सिक्वेंस पे जाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं स्केलर चैन। क्लियर है? सर एक बार और बताऊंगा, चलो सुनो। जैसे कि मैं अगर बात करता हूं कि मिस्टर डी है, यहां पर आपको डी दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, मिस्टर डी को मिस्टर ओ को कुछ इंफॉर्मेशन बताना है, कुछ इंफॉर्मेशन देना है, तो मिस्टर डी डायरेक्ट मिस्टर ओ से कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, डी को ना पहले सी को बताएगा, फिर सी ना उसको बी को बताएगा, बी उसको ए को बताएगा, ए फिर उसको एल को बताएगा, फिर वो एल उसको एम को बताएगा, एम उसको एन को बताएगा, फिर एन के पास अब कहां चले जाएगा, ओ के पास, जिसके पास जाना चाहिए था उसके पास वो चले जाएगा, इसको बोलते हैं स्केलर चैन। समझ आया? yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक। अब ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम आता होगा दोस्तों? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता होगा यार डिले इन डिसीजन या टाइम कंज्यूमिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा जो डी को ओ को बताना होगा, डी ना ओ को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना पड़ेगा, लेकिन डी ओ से डायरेक्ट संपर्क नहीं कर पाएगा तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, जब तक उसको बताना रहेगा उस समय तक वो इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? यस सर, ऐसा भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन पे बोलता है फयोल, क्या बोलता है, आप एक तो अगर नॉर्मल इंफॉर्मेशन होगा तो आपको तो स्केलर चैन के अकॉर्डिंगली चलना है, बट एकदम इमरजेंसी इंफॉर्मेशन होगा, एकदम ही ज्यादा इमरजेंसी इंफॉर्मेशन होगा तो आप डायरेक्ट ओ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जब इमरजेंसी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा, मतलब इमरजेंसी इंफॉर्मेशन ही होगा तभी आप डी इससे संपर्क करना, डायरेक्ट ओ से संपर्क करना, और वो जो संपर्क होगा ना उस संपर्क को बोलते हैं गैंक प्लान। क्या बोलते हैं? गैंक प्लान। क्या बोलते हैं? गैंक प्लान। जैसे कि नीचे में एक और डायग्राम दिख रहा है क्या भाई, ई ने ओ को, ई से ओ कर जो ऐसे दिख रहा है आपको, गैंक प्लान लिखा है? yes, हाँ। ये क्या बोलता है, अगर ई को एकदम ही इमरजेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन ओ तक जाना है तो ओ क्या कर, ई क्या कर, हाँ बोलो सर, हाँ सर एक बार फिर से समझाएंगे क्या,
शुरू से मैं फिर से शुरू से समझा रहा हूँ, ठीक है। स्केलर चेन का मतलब ध्यान से समझना, पहला वाला डायग्राम को देखना, ऊपर वाला डायग्राम जिसमें एरो नहीं बना है, जहां पर गैंग प्लेन नहीं लिखा है, वो डायग्राम को समझना। स्केलर चेन बोलता है कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहोगे किसी को भी तो उसको स्केलर चेन के हिसाब से चलना है, चेन अकॉर्डिंग चलना है। जैसे ई है, ई को कुछ इंफॉर्मेशन देना है ओ को, ठीक है। ई ने ई को इंफॉर्मेशन देना है, ई इंफॉर्मेशन देगा किसको, ओ को। तो ई ने डायरेक्ट ओ से कुछ नहीं बोल पाएगा, ई को सबसे पहले वो बात किसको बताना पड़ेगा, डी को बताना पड़ेगा। डी से किसको बताना पड़ेगा, सी को बताना पड़ेगा। सी किसको बताएगा, बी को बोलेगा, फिर बी ए को, फिर एल एम एन ओ, यहां तक जाकर के वो रुक जाएगा और वो इंफॉर्मेशन उसके तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये करना क्या होगा, जब नॉर्मली इंफॉर्मेशन होगा तब काम आएगा। ई को कोई इमरजेंसी इंफॉर्मेशन बताना है ओ को, ई को कोई इमरजेंसी इंफॉर्मेशन बताना है ओ को और समय बहुत कम है, तो ई डायरेक्ट संपर्क ओ से कर सकता है। और ई जब डायरेक्ट संपर्क ओ से करेगा ना, उस पॉइंट को बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। समझ आया? यस सर। क्लियर है सबको, एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। सर ये स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन मतलब सीक्वेंस से चलना दोस्तों। सर तो एक कंपनी कंपनी में यूज होता है क्या? कंपनी में यूज होता है, ठीक है। तो चलो देखो एक इसका पढ़ लेते हैं, अब यहां से हम समझ जाएंगे उसको एक बार पढ़ के, अब यहां से अपन समझेंगे। देखो क्या लिखा है, स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाइएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। जो एबीसीडी ईएफजी जो बनाया ना दोस्तों, वो लोग ना टॉप और मिडिल लेवल के लोग हैं, लोअर लेवल के लोग नहीं होंगे, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल के ही लोग होंगे, ठीक है। तो स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। फेयोल इंस्टेट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, नो स्किपिंग और एनी वन की शुड बी अलाउड। फॉर एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन प्रिंसिपल इफ ई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट ओ, ई कॉन्टेक्ट करना चाहता है ओ को, देन ही हैज टू मूव थ्रू ई से डी पे जाएगा, डी से सी पे जाएगा, सी बी के पास जाएगा, फिर ए, फिर एल एम एंड ओ, देन ओ। इफ दिस चेन इज ब्रोकन देन देयर आर चांस ऑफ कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट समटाइम, यहां पर ध्यान देना दोस्तों, बट समटाइम Following scalar chain become a longer process and if some is important information has been to be passed, important information अपन को देना है, it get delay, so in case of emergency and urgent information, कौन सा information दोस्तों, emergency and urgent information जब आएगा, Fayol permitted a shortcut in the chain which is called gangplank. पेपर में एक नंबर के लिए पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय गैंग प्लैंक करके, तो आप इसी को बताओगे कि क्या बताओगे, इफ इमरजेंसी एंड अर्जेंट इंफॉर्मेशन गिवन देन शॉर्टकट चेन इज यूज्ड आर कॉल्ड गैंग प्लैंक। आप यही बताओगे, गैंग प्लैंक परमिटेड डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द डिफरेंट पोजिशन विदाउट फॉलोइंग द चेन। क्लियर है, यही लिखा हुआ है? यस सर। देखो आप इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देख सकते हैं, देखो यहाँ पर जो जो लिखा है वही होगा, ये भी जरूरी नहीं है, आप अपने से भी लिख सकते हो यार। पॉजिटिव इंपैक्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। सेकंड लिखा है नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंसिक्वेंसनेस अगर इसको फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। नो क्लियरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप, और दोनों क्लियरिटी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होगा। क्लियर है, इसको आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सबके स्क्रीन पे आ गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, फटाफट हाँ बोलो। यस सर।
ओके प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कमांड देना नहीं है, ऑर्डर मतलब कमांड नहीं है। यहाँ पर लिखा है देखो, इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड। कमांड देना मतलब ऑर्डर देना मतलब ये वाला ऑर्डर नहीं है। यहाँ ऑर्डर मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट होना मेन और मटेरियल का, मतलब सामान एक स्थिर जगह पे रहना। जैसे एक दुकान होता है, जैसे देखना ना मेडिकल शॉप वगैरह में आप जाते हो और आप दवाई मांगते हो, तो दवाई के बाद ना वो जैसे दवाई का नाम सुनता है ना वो चले जाता है कि वो दवाई कहाँ पर रखा है, वो मेडिसिन कहाँ पर रखा है। आप किसी किराना स्टोर पे जाते हो जहाँ बड़ा सा किराना स्टोर है, आप कहीं जाते हो और उसके पास अगर बोलते कि यार मेरे को निरमा दे दो, तो वो निरमा कहाँ रखा हुआ है उसको पता है, वहां से लेकर के आता है। बट एक ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होगा, कहीं पास भी निरमा को रख देना, कहीं पास भी किसी चीज को रख देना, तो क्या यहाँ पास आपका जो काम है वो बढ़ जाएगा कि कम होगा? सर टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा, इसी को बोलता है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब फयोल बोलता है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो ना, उस ऑर्गेनाइजेशन पे एक ऑर्डरली अरेंजमेंट करके रखो, एक सीक्वेंस बना करके रखो मेन और मटेरियल का। जैसे कि अगर चैम्बर, एक अगर चैम्बर होते हैं जो चैम्बर बना करके रहते हैं ऑफिस में, तो डायरेक्टर का चैम्बर कहाँ है और आगे इधर का चैम्बर कहाँ है, मतलब सबका। जैसे एक स्टाफ रूम रहता है तो स्टाफ रूम में आपको पता रहता है ना कि ये टीचर का सीट ये है, ये टीचर का सीट ये टीचर का सीट ये है, तो आपको पता रहता है कि भाई अगर वहां पर वो चेयर खाली है मतलब वो टीचर नहीं है, और वहां पर चेयर मतलब चेयर में टीचर है मतलब वो टीचर है। लेकिन अगर ऑर्डरली अरेंजमेंट करके नहीं रखे रहेगा, टीचर कहीं भी जा करके बैठ जाएगा, तो आपको पता रहेगा क्या कि यहाँ पर टीचर है कि नहीं? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम कंज्यूमिंग होगा। वही चीज इसके अंदर लिखा हुआ है, इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड बट इट रिफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल दैट इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर किसी का एक फिक्स्ड प्लेस बना दो, एंड इफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन फयोल इंस्टेड दैट there must be a fixed place to keep every material and things used in the organization and fixed place or seat or cabin for every employee of the organization so that no time and energy is wasted in search of any material or any person. क्या समझ आया ये? Yes, sir. चलो ठीक, ये ज्यादा एक्सप्लेन करने का भी नहीं, आप समझ सकते हो। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा भाई? पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नो वेस्टेज ऑफ टाइम, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेकंड, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग, स्मूथ और सिस्टमेटिक वर्किंग भी अपना ऑर्गेनाइजेशन का होगा। बट अगर अपन ऑर्डरली काम नहीं काम करते, जैसे अपने घर में अपना कपड़ा वपड़ा को इधर उधर फेंक देते हैं, तो अपन को क्या होता है फिर? वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, उसको ढूंढने में चिड़चिड़ाहट होता है, और दो चार गाली भी सुनते हैं और दो चार गाली भी देते हैं। Not able to contact the people at right time, और तुरंत contact भी अगर people को अगर orderly उसका cabin नहीं रखे हुए हैं, तो सही समय पे वो बंदे साथ भी हम नहीं मिल सकते। क्या इसमें किसी को problem है? No sir. चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सब एकदम छोटा छोटा है ना दोस्तों, ठीक। Next पढ़ते हैं, उसका फिर एक साथ अपन पूरा सबको याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसके पहले आप लोग मेरा थोड़ा सा, अपन थोड़ा सा बात करते हैं। सर आई नीड परमिशन टू रिकॉर्ड दिस क्लास। हाँ बेटा, रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसको जो करना है कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो, रिकॉर्ड करो, मतलब क्लास का एंजॉय करो और सुनते जाओ, ठीक। सुनो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है देखो, ध्यान दो। जैसे कि अपन बात करते हैं स्कूल्स में, ये इक्विटी मतलब सबको इक्वल प्रिफरेंस देना। जैसे कि अपन डिसिप्लिन में बात किए थे ना, वैसे इक्विटी मतलब सबको इक्वल प्रिफरेंस देना। इक्वल प्रिफरेंस देना मतलब क्या होता है? जैसे बोल सकते हैं, एक स्कूल्स पे एक टॉपर बंदा है और एक गधा है, और दोनों कोई मार दिया बंक, ठीक है। जब बंक मारने के बाद दोनों कोई पकड़ा गए, तो टॉपर बंदा को ना थोड़ा सा डांटा कि यार ऐसा मत करना, तुम पढ़ने लिखने वाले बंदे हो, ऐसे बोला और जाकर के बैठा दिया क्लास में। जो गधा बच्चा है उसको क्या किया, 10-15 झापड़ तो अच्छे से खींच दिया और बाहर खड़ा कर दिया, और उसको बोल दिया कि तुम 10 दिन मेरे क्लास में नहीं आओगे। तो क्या गलती दोनों का अलग अलग था कि सेम था? सेम था। दोनों ने बंक मारा था। लेकिन जो टॉपर बंदा है उसको क्या दे दिया? प्रिफरेंस दे दिया, उसको क्लास में बैठने का परमिशन दे दिया। और जो गधा बच्चा है वो
मतलब उसको क्या कर दिया, बाहर में बैठा दिया, तो इससे वो गधे बच्चे के माइंड में तो फुल साला गाली चलेगा उसको टीचर को, और जीवन भर उसके साथ क्या हो जाएगा, उसका दुश्मनी हो जाएगा। तो क्या ये सही है क्या स्कूल के लिए? नहीं है। अगर कोई भी गलती कर रहा है तो जो गलती का सजा एक को मिल रहा है वही गलती का सजा दूसरे को भी मिलना चाहिए। इक्वालिटी होना चाहिए दोनों के बीच में, इक्वल रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अगर गलती वो टाइप का, अगर गलती जैसे कर रहा उसका जो सजा है वो सब सजा दोनों को मिलना चाहिए। क्या ये सही हो, ये एक सही है? नहीं